Hello everyone, good afternoon. My name is Mayur Upadhyay and I'm your mentor for CUET. So guys, जैसा कि आप सबको पता है कि CUET 2023 के examination के लिए हमने GK और current affairs में धूम मचा दी थी YouTube पे. There were so many sessions which were being taken, चाहे वो marathons हो, चाहे वो static के sessions हो, चाहे वो current affairs के sessions हो, miscellaneous के sessions हो, हमने बहुत सारे sessions conduct किए CUET 2023 के examination में और CUET 2023 के examination में आपको उन सारे sessions में से क्वेश्चन देखने को मिले थे इन द डिफरेंट शिफ्ट ऑफ CUET. नाउ वी आर अगेन बैक एंड दिस टाइम वी आर बैक विद अ बैंग. और अब हम यहां पे क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सो फॉर CUET 2024 एग्जामिनेशन वी आर स्टार्टिंग व्हाट, वी आर स्टार्टिंग द वीकली करंट अफेयर्स डोज. हाउ दिस विल अफेक्ट यू, ये आपको कैसे अफेक्ट करेगा, कैसे आपको ये हेल्प करेगा. सो गाइज, पूरे वीक के जो करंट अफेयर्स हैं उसका मैं एक सेशन पूरा लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए. एंड दिस सेशन इट विल बी टेकन ऑन संडे. आप संडे को आइए, संडे को सेशन देखिए एंड उस एक सेशन को देखने के बाद ही आपका पूरे हफ्ते का जो करंट अफेयर्स है वो क्लियर हो जाएगा. इससे बाहर मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आज ही ये बात, CUET का एग्जामिनेशन 2024 का एग्जामिनेशन जब भी होगा, आई एम गारंटिंग यू ये पूरे सेशन, ये पूरी प्लेलिस्ट जिसने कवर कर ली उसका करंट अफेयर्स का तो एक भी क्वेश्चन, एक भी सवाल मिस नहीं होने वाला. CUET 2023 वाले बच्चे, उनको यहाँ पे फायदा हुआ था, 2024 आपको भी यहाँ पे फायदा होगा. जो भी 2024 के लिए CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत फायदा होने वाला है. ठीक है, सो हमारी सीरीज का नाम ही है क्या, हमारी सीरीज का नाम ही है द वीकली करंट अफेयर्स डोज. जी हाँ, वीकली करंट अफेयर डोज, ये हर हफ्ते आएगा, आपको इनको देखना है. कुछ नहीं, सिट बैक एंड रिलैक्स, एंजॉय कीजिए सेशन को. यहाँ पे मैं मॉडस ऑपरेंडाई आपको बता दूं, एक एक करके जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आएंगे, उनके चार ऑप्शन होंगे, मैं ऑप्शन को बताऊंगा, आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा एंड मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बताता चलूंगा. ठीक है, सो एज सिंपल एज दैट, कुछ बहुत नहीं है यहाँ पे, रॉकेट साइंस नहीं है. हाँ, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको लगे रहना है, क्योंकि ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अनदर सेकंड, विदाउट वेस्टिंग कुछ भी और भी टाइम, बिना कुछ वेस्ट किए हम यहाँ पे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so the very first question, which of the following countries has recently taken the decision to ban iPhones citing security reason? भाई कौन सा ऐसा देश है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अभी एक डिसीजन लिया है क्या कि भैया हम यहाँ पे iPhones को, तो जो भी आप कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जितने भी गवर्नमेंट काम होते हैं वो सारे काम, अब चाहे वो आईफोन के आईफोन हो, चाहे वो टैबलेट्स हों आईफोन एप्पल के, चाहे वो आईफोन एप्पल के जितने भी लैपटॉप्स हो, कंप्यूटर्स हो, उनको बैन कर दिया गया है टू डू एनी सॉर्ट ऑफ वर्क, टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क ऑफ द पब्लिक. ठीक है, तो जो भी काम है उसको यहाँ पे बैन कर दिया गया है. सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज ए, रशिया. सो रशिया, द रशियन गवर्नमेंट, दे हैव रिसेंटली टेकन दिस डिसीजन, उन्होंने ये अभी डिसीजन लिया है कि भैया जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो गवर्नमेंट के काम करने के लिए अब किसी भी टाइप के आईफोन्स एप्पल का अब कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको अब वो यहाँ पे नहीं यूज कर सकते. ठीक है, सो क्या रीजन दिया है यहाँ पे, सो द रीजन इज सिंपल, रीजन इज वेरी सिंपल, रीजन ये दिया गया है यहाँ पे कि भैया ये जितने भी एप्पल के डिवाइसेस होते हैं उनमें सिक्योरिटी का खतरा है, उसमें सिक्योरिटी का हैक है एंड यहाँ पे ये खतरा आगे आ सकता है, फर्दर आ सकता है, बिकॉज रशियन गवर्नमेंट थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ज्यादा उत्तेजित हो रही है, ज्यादा उस चीज को ग्रीवियांस में ले रही है कि यहाँ पे चीजें जो है वो खराब हो सकती हैं एंड इसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि आपको कोई भी, अगर आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क है उसको आप एप्पल के डिवाइसेस पे ना करें. ठीक है, ऑल्दो एप्पल कंपनी, उन्होंने इस चीज से साफ साफ मना कर दिया कि द डिवाइसेस दे आर टोटली सेफ, दे आर 100% सेफ, बट उसके बाद भी ये डिसीजन रशिया की गवर्नमेंट ने लिया है. हाँ, यूएस की गवर्नमेंट की तरफ से इस पर अभी भी कोई भी आंसर नहीं किया गया. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ए, रशिया. ठीक है, मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं. ना BLM declaration is related to which of the following? BLM declaration जो है वो इसमें से किस चीज से related है? Now आपके सामने चार options हैं, four options in front of you. Deforestation in South America, B water scarcity in the Middle East, C Great Barrier Reef degradation in Australia, or is it D hazardous waste issue in the USA? ठीक है, now दिस BLM डिक्लेरेशन, इसके बारे में आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो दिस डिक्लेरेशन यहाँ पे टोटल साउथ अमेरिकन कंट्रीज, टोटल 8 साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, 8 साउथ अमेरिकन कंट्रीज, सो
आठ साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने, उन्होंने यहां पे क्या किया है, उन्होंने अभी यहां पे इस बीलम डिक्लेरेशन को साइन किया है, ठीक है। सो दे हैव साइंड दिस बीलम डिक्लेरेशन, एंड इन दिस डिक्लेरेशन यहां पे क्या बात की गई है, सो इन दिस डिक्लेरेशन यहां पे बात की गई है कि जो भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इन साउथ अमेरिका, ठीक है, चाहे वो अमेजोन फॉरेस्ट हो, अमेजोन फॉरेस्ट का जो भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको हमें क्या करना है, उसे हमें रोकना है। एंड जब हम यहां पे अमेजोन फॉरेस्ट, जैसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी यहां पे बोला जाता है, तो जब हम यहां पे अमेजोन फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन या फिर उसका जो भी उसको काटा जा रहा है, जंगलों को खत्म किया जा रहा है, उसको जब हम रोकेंगे तो इट वुड इंपैक्ट व्हाट, इट वुड इंपैक्ट द बायोडायवर्सिटी, एंड उसके साथ साथ जो भी रिसोर्सेज हैं उनको भी यहां पे क्या किया जा सकेगा, बचाया जा सकेगा, ठीक है। सो इट्स बीन अ डिक्लेरेशन, बीलम डिक्लेरेशन, जो एट साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने इसको क्या किया है, इसको साइन किया है, एंड इसको साइन करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है, सो द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अमेजॉन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, ACTO, ठीक है। सो अमेजॉन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टोटल आठ कंट्रीज हैं, आठ देश हैं, उन्होंने मिलकर क्या किया है, बीलम डिक्लेरेशन को साइन किया, ठीक है। सो द क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज व्हाट, द करेक्ट आंसर इज ए, डिफॉरेस्टेशन इन साउथ अमेरिका, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ट्राइटन आइलैंड, इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्राइटन आइलैंड जो है ये आपको कहां पे देखने को मिल सकता है, द ऑप्शंस आर ब्लैक सी, साउथ चाइना सी, सी ईस्ट चाइना सी, और इज डी बे ऑफ बंगाल। नाउ ट्राइटन आइलैंड ये आपको कहां पे देखने को मिल सकता है, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, नाउ द करेक्ट आंसर इज द ट्राइटन आइलैंड, इट कैन बी सीन, ये आपको देखने को मिल सकता है इन द साउथ चाइना सी रीजन। सो साउथ चाइना सी रीजन में आपको ट्राइटन आइलैंड देखने को मिल सकता है, एंड व्हाई इट इज इन न्यूज, ये अभी न्यूज में क्यों रहा है, बिकॉज इट्स बीन इन न्यूज बिकॉज अभी यहां पे क्या किया है, चाइना ने यहां पे इन दिस ट्राइटन आइलैंड, जो कि एक क्या है, जो कि एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, यहां पे उन्होंने रोड कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करा दिया है, ठीक है। सो द रोड कंस्ट्रक्शन वर्क, the road construction work, it has been started by China in the Triton Island, और ये क्या है, ये एक disputed island है, between whom, so it's a disputed island between China, सबसे पहले China, उसके बाद Taiwan and Vietnam, ठीक है, so China, Taiwan and Vietnam, इनके बीच में क्या है, इसको ट्राइटन आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है, एंड सिंस चाइना ने जब यहां पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करा दिया है तो ये वापस से अभी न्यूज में आ गया है, ठीक है। सो द ट्राइटन आइलैंड, इट बिलोंग्स टू वेयर, ये कहां पे बिलोंग करता है, सो इट इज इन साउथ चाइना सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। नाउ ब्रिक्स समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इस साल का जो 15th एडिशन ऑफ द ब्रिक्स समिट, इसको कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है, कम ऑन जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम पहले, सबसे पहले तो ब्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज दिस ब्रिक्स, सो ब्रिक्स, ब्रिक्स, सो अभी मैं एस हटा देता हूं, एस को इंक्लूड नहीं करता हूं, सो ब्रिक, इट इज अ टर्म व्हिच इज बीन कॉइन्ड इन द ईयर 2001, ठीक है। ब्रिक टर्म जो है ये 2001 में कॉइन किया गया था, 2001 में इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड दिस टर्म इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय जिम ओनील, ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया था, सो जिम ओनील जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार ब्रिक के बारे में बात की थी, सर व्हाट इज ब्रिक, सो ब्रिक इज, इट इज व्हाट, इट इज अ एक्रोनिम ऑफ फोर डेवलपिंग नेशन, कौन कौन से, सो बी से हो जाएगा हमारा ब्राजील, आर से हो जाएगा हमारा रशिया, आई से हो जाएगा इंडिया, एंड सी से हो जाएगा क्या, सी से हो जाएगा चाइना, ठीक है। सो ब्रिक टर्म, इट हैज बीन कॉइन्ड इन 2001, द फोर डेवलपिंग कंट्रीज, द फोर डेवलपिंग नेशन, उनका ये पूरा टर्म था ब्रिक, इसे जिम ओनील ने यहां पे कॉइन किया था, एंड जो ब्रिक है वो कब बन गया था, इट वॉज फॉर्म इन 2006, 2006 में जो ब्रिक है उसे बना दिया गया था, एंड इन 2010, 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। सो साउथ अफ्रीका, दे ज्वाइन दिस ब्रिक, ब्रिक को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और ब्रिक उसके बाद क्या बन गया, साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने के बाद ब्रिक बन गया ब्रिक्स, ठीक है। सो अभी द क्वेश्चन इज व्हाट, द क्वेश्चन इज आस्किंग द ब्रिक्स समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कहां पे हुई है, सो द 15th समिट ऑफ द ब्रिक्स, इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड वेयर, सो इसको कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है, सो इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन
साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में इस साल की जो ब्रिक्स समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, साउथ अफ्रीका, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ ताइवान। ताइवान के साथ कितनी कंट्रीज के, कितने देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, 12। व्हाई इट इज इन न्यूज? सो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, ताइवान के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो पैराग्वे गए थे, ठीक है। वो पैराग्वे, ठीक है, वो पैराग्वे गए थे, एंड पैराग्वे इट इज वन ऑफ द 12 कंट्रीज जो कि यहां पे क्या है, जिनके साथ ताइवान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। सर व्हाई देयर आर ओनली 12 कंट्रीज जिनके ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं? द आंसर बीइंग व्हाट? द आंसर, इसका पीछे जो आंसर है वो ये है, बिकॉज ताइवान जो है, चाइना ताइवान को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बताता है। चाइना बोलता है कि ताइवान नाम पर कोई कंट्री नहीं है, देश नहीं है, ताइवान इज व्हाट? ताइवान इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ताइवान जो है, इट इज इन द सुज़रेनिटी ऑफ चाइना ओनली, ठीक है। सो इसी वजह से यहां पे क्या है, ताइवान को काफी संघर्ष करना पड़ता है, काफी यहां पे उन्हें लड़ना पड़ता है, बट अभी बहुत सारी कंट्रीज जो है वो ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टार्ट कर रहे हैं, एंड ये चीज ऑफकोर्स चाइना को पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। सो देर आर एट प्रेजेंट टोटल 12 कंट्रीज जिनके साथ ताइवान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, एंड ताइवान के जो भी वाइस प्रेसिडेंट है वो गए थे पैराग्वे, एंड इसी वजह से ये अभी क्वेश्चन जो है ये न्यूज में आ गया है, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, 12। 12 ऐसा सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमनॉइड रोबोट पाइबॉट डिजाइन टू फ्लाई एयरक्राफ्ट हैज बीन डेवलप्ड इन डैश। द ह्यूमनॉइड रोबोट पाइबॉट डिजाइन टू फ्लाई एयरक्राफ्ट हैज बीन डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भाई किस कंट्री ने, किस देश ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पाइबॉट, उसको डिजाइन किया है और ये क्या कर सकता है, ये अब एयरक्राफ्ट भी चला सकता है, ठीक है। सो गाइस, अब आप लोग देख रहे होंगे, खुद ही समझ रहे होंगे कि ना द पाइबॉट जो रोबोट्स होते थे उनका भी एक उच्च वर्जन यहाँ पे निकल के आ गया है, जिसे क्या बोला जा रहा है, जैसे यहाँ पे ह्यूमनॉइड बोला जा रहा है, ठीक है। और ये अब क्या कर रहे हैं, ये अब यहाँ पे एयरप्लेन्स जो है, एयरप्लेन्स चलाने के लिए भी इनको ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। तो आप खुद इसमें अब आने वाले कुछ सालों में आप मतलब पायलट्स नहीं चलाएंगे प्लेन्स को, एयरक्राफ्ट को पायलट्स नहीं चलाएंगे, अब उन्हें ह्यूमनॉइड यहाँ पे जो रोबोट्स होंगे वो चलाएंगे, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी जो ना कराए वो अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। सो रिसेंटली हुआ क्या है, यहाँ पे अ टीम ऑफ इंजीनियर्स एंड रिसर्चर, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे साउथ कोरिया के रिसर्चर्स ने, साउथ कोरिया के इंजीनियर्स ने यहाँ पर अभी एक ऐसा ह्यूमनॉइड बनाया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है पाइबॉट, एंड दिस पाइबॉट इज बीन डिजाइन फॉर व्हाट, दिस पाइबॉट इट इज बीन डिजाइन टू फ्लाई एयरक्राफ्ट। ये अब क्या कर सकता है, ये अब एयरक्राफ्ट को भी फ्लाई कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए जो कॉकपिट होता है, जहां पे पायलट, जो दोनों पायलट्स बैठते हैं, तो कॉकपिट में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इसको इतना ज्यादा डेवलप किया गया, इसको इतना ज्यादा आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल बनाया गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन, द ह्यूमनॉइड रोबोट पाइबॉट, ये यहाँ पे जो कि क्या कर सकता है, एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकता है, ये कौन से देश ने, कौन सी कंट्री ने इसको डेवलप किया? सो इट इज बीन डेवलप्ड बाय साउथ कोरिया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन इन समर कैपिटल श्रीनगर हैज अर्नड अ स्पॉट इन द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स विच इज इन लंडन एज डैश लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये डैश लार्जेस्ट, यहाँ पे डैश पे यहाँ पे क्या चीज आएगी, ठीक है। सो ट्यूलिप गार्डन, जैसा कि आप सबको पता है, ट्यूलिप गार्डन इट इज वेरी फेमस, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल, इंदिरा गांधी मेमोरियल, मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। सो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये आपको कहां पे देखने को मिल सकता है, ये आपको देखने को मिलता है इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, बहुत ही फेमस है, कई बार बहुत सारे एग्जामिनेशंस में इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सो ट्यूलिप गार्डन इन समर कैपिटल श्रीनगर हैज अर्नड अ स्पॉट, भाई कहां पे इसने अभी एक स्पॉट अर्न किया, सो इट हैज अर्नड अ स्पॉट बीइंग व्हाट, इट इज एशियास, ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज हैज बीन रिकॉर्डेड एज एशियास लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन। ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, अब ये एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन बन गया है, लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज, इसी वजह से ये क्या है, ये अभी न्यूज में आया था, ठीक है। सो डू रिमेंबर क्वेश्चन नंबर
Sir, what is the correct answer? The correct answer is it has been recorded as what? It has been recorded as Asia's largest tulip garden. Asia का सबसे बड़ा, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन का रिकॉर्ड अब इसके पास आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, विच कंट्री ऑब्जेक्टेड टू द यूज ऑफ विच संस्कृत टर्म दैट इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इन द G20 लोगो. ठीक है, सो जैसा कि आप सबको यहाँ पे पता है कि G20 इस बार बहुत ज्यादा न्यूज में है, बहुत ही ज्यादा न्यूज में है. तो गाइज, आपको CUET 2024 एग्जामिनेशन में इस पे पक्का सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है, पक्का आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा. तो थोड़ा सा इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा. ठीक है, नाउ विच कंट्री ऑब्जेक्टेड टू द यूज ऑफ विच संस्कृत टर्म दैट इज रिटन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट इन द G20 लोगो. तो जैसा कि आप सबको पता है कि G20 का जो लोगो है, ठीक है, जिसपे एक लोटस, एक कमल बना हुआ है और उसके नीचे संस्कृत एक टर्म लिखा हुआ है जिसका, जो कि क्या है, जो कि है वासुदेव कुटुंबकम. ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम, जिसको अगर हम इंग्लिश में चेंज कर रहे हैं, इंग्लिश में अगर हम उसे ट्रांसलेट कर रहे हैं तो वो निकल के क्या आ रहा है, वो निकल के आ रहा है, मतलब हमने उसका जो वो पूरा डिजाइन ही किया है उसमें हमने नीचे इंग्लिश में भी उसको लिखा हुआ है. एंड दैट इज व्हाट, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. ठीक है, क्या है, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर. वन फ्यूचर, ठीक है, सो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका इंग्लिश में जो लोगो है वो निकल के आया है. बट इस पे अभी एक कंट्री ने ऑब्जेक्शन कर दिया है. अब आप इन, चाहे आप इन चारों ऑप्शंस को देखोगे, आप खुद ही समझ जाओगे कि कौन सी कंट्री रही होगी जिसने ऑब्जेक्शन किया है. सो ऑफकोर्स द कंट्री इज चाइना. ठीक है, सो चाइना ने यहाँ पे क्या किया है, चाइना ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया है कि कहीं पर भी जब G20 की मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है, तो उसमें कहीं पर भी ऐसे टर्म यूज ना हो जो कि नॉन यूएन लैंग्वेजेस. ठीक है, नॉन यूएन लैंग्वेजेस. ठीक है, सो ऐसे टर्म जो कि ऐसी लैंग्वेज जो कि यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशंस द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, उस लैंग्वेज का टर्म कहीं पर भी G20 के साथ यूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट क्रिएट्स अ रकस, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. ठीक है, नाउ जैसा कि आप सबको पता ही है दैट वासुदेव कुटुंबकम इट इज अ संस्कृत टर्म, ये एक संस्कृत शब्द है यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, चाइना ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है. बट इट डजंट मैटर हम लोगों के लिए, जो G20 का जो लोगो है, जो G20 के जो थीम है, वो हमेशा क्या रहेगी, वासुदेव कुटुंबकम ही रहेगी. ठीक है, इन इंग्लिश इट कैन बी वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर. ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज द ऑब्जेक्शन इट इज बीइंग रेज्ड बाय विच कंट्री, द ऑब्जेक्शन इट इज बीइंग रेज्ड बाय चाइना, चाइना ने ऑब्जेक्शन रेज किया है. ठीक है, चलो जल्दी बढ़ेंगे टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ न्यूरिस्तान बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, न्यूरिस्तान जो है ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. सो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड कजाकिस्तान, बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ अब ये न्यूरिस्तान जो है ये न्यूज में क्यों आया, सबसे पहले तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, रिसेंटली अभी हुआ क्या है कि लिथियम रिजर्व बहुत बड़े लिथियम रिजर्व मिले हैं नियर हिंदू कुश माउंटेन. ठीक है, सो नियर हिंदू कुश माउंटेन अभी बहुत बड़ी लिथियम रिजर्व मिले हैं. एंड इट इज सेड, ये बोला जा रहा है कि दीज लिथियम रिजर्व दे आर, ठीक है, ये जो लिथियम रिजर्व है ये ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, ये $1 trillion से ज्यादा का इसकी क्या है, इसकी प्राइस होगी. ठीक है, ये जो लिथियम रिजर्व मिला है इसकी कॉस्ट, इसकी जो प्राइस है वो $1 trillion से भी ज्यादा है. ठीक है, नाउ अब जैसे ही यहाँ पे ये जो जो लिथियम रिजर्व मिले हैं हिंदुकुश माउंटेन के पास, ये कहाँ पे मिले हैं, ये नूरिस्तान रीजन के आसपास में ये पूरे रिजर्व मिले हैं. ठीक है, एंड दिस नूरिस्तान रीजन ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, ये किस कंट्री में फॉल करता है, द करेक्ट आंसर इज व्हाट, द करेक्ट आंसर इज बी अफगानिस्तान. ठीक है, सो डू रिमेंबर नूरिस्तान ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हिंदू कुश माउंटेन रीजन में ये है, ये पूरा का पूरा रीजन. एंड व्हाई इट इज इन न्यूज, इट इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ द लिथियम रिजर्व विच आर बीन फाउंड हेयर, लिथियम रिजर्व जो यहाँ पर मिले हैं अभी रिसेंटली, उसी की वजह से ये अभी न्यूज में आया हुआ है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज. ठीक है, तो डू रिमेंबर, याद रखिएगा, द करेक्ट आंसर इज व्हाट, द करेक्ट आंसर इज बी अफगानिस्तान. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट ब्रिक्स समिट इन 2009. ठीक है, तो ब्रिक्स समिट, सबसे पहली ब्रिक्स समिट यहां पे किस कंट्री ने होस्ट की थी, ये आपको बताना है.
तो जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन पिछले सवाल में भी आपको एक्सप्लेन किया था, बताया था कि पहले तो क्या था, द टर्म वॉज जस्ट ब्रिक, जो टर्म था वो क्या था, वो सिर्फ ब्रिक था, मतलब साउथ अफ्रीका तो था ही नहीं ब्रिक्स का पार्ट, साउथ अफ्रीका है, इट बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिक्स इन 2010, 2010 में वो पार्ट बना था, हिस्सा बना था, ठीक है ना। 2009, 2009 में सबसे पहला द वेरी फर्स्ट ब्रिक्स समिट इट वॉज होस्टेड, एंड दैट पर्टिकुलर ब्रिक्स समिट इट वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री, तो द वेरी फर्स्ट ब्रिक्स समिट इट वॉज होस्टेड बाय रशिया। तो रशिया ने 2009 में सबसे पहला ब्रिक्स समिट होस्ट किया था, एंड अगेन फिर से एक्सप्लेन कर दो आपको, द ब्रिक टर्म इट हैज बीन गिवन बाय जिम ओनील, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, 2001 में उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, ये टर्म दिया था, ब्रिक मतलब कि चार ऐसी कंट्रीज जो कि उस टाइम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्री थी, ठीक है। सो क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज द वेरी फर्स्ट ब्रिक समिट इट हैज बीन होस्टेड बाय रशिया एंड द ईयर वॉज 2009, 2009 में होस्ट किया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मट्टी बनाना बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मट्टी बनाना जो है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, कम ऑन व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब यहां पे क्या होगा। सो मट्टी बनाना, ओके नाउ मट्टी बनाना सैपलिंग्स जो है ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं, व्हाई दे आर इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों रहे हैं, बिकॉज द मट्टी बनाना इनको अभी GI टैग दिया गया है, दे हैव बीन रिसेंटली गिवन द GI टैग। नाउ व्हाट इज अ GI टैग, GI टैग इज जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, एंड वाई दिस जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इट इज बीइंग गिवन, सो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये इसलिए दिया जाता है बिकॉज होता क्या है यहाँ पे कि कोई अगर कोई ऐसी चीज है, ठीक है, चाहे वो कोई फल हो गया, कोई यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई भी, चाहे वो कोई कलाकारी हो गई, कोई चित्रकारी हो गई, पेंटिंग हो गई, या फिर किसी भी टाइप की चीज, अगर वो चीज उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जा रही है, ठीक है, तो अगर उसकी काउंटरफीट को रोकने के लिए, उसकी मतलब वो होता है ना टर्म नकलों से सावधान, ठीक है, सो उसकी नकल को रोकने के लिए, या फिर वो काउंटरफिट, या फिर वो नकली चीज उसी नाम से ना बेची जाए, इसीलिए उस पर्टिकुलर टर्म को जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही उग रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं बासमती की, ठीक है, सो बासमती काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, तो एमपी का जो बासमती है वो काफी ज्यादा फेमस है यहाँ पे, तो अगर वो एमपी में ही किसी खास किस्म का, कोई खास वैरायटी का बासमती अगर एमपी से आ रहा है, तो उसको क्या प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको GI टैग, उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, कि उसकी नकल ना हो सके, उस नाम से कुछ और ना बेचा जा सके, ठीक है। जैसे कि और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो सैफरन केसर जो होता है वो कश्मीर का सबसे ज्यादा फेमस होता है, ठीक है, कश्मीर का फेमस इज वेरी फेमस, सैफरन इज वेरी फेमस, बट होता क्या है कि अलग अलग एरियाज में यहाँ पे जो सैफरन है, जो केसर है, वो कश्मीर के केसर के नाम से बेच दिया जाता है, ठीक है, कि भैया ये क्या है, ये कश्मीर का केसर है। अब उसकी नकल को रोकने के लिए, उसके काउंटरफीट को रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, सो टू स्टॉप द काउंटरफीट, यहाँ पे उसको कश्मीर के केसर को GI टैग प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नाउ अब अगर GI टैग प्रोवाइड कर दिया गया है, तो जिस डब्बे में वो केसर आ रहा है उसके ऊपर अगर GI टैग का ठप्पा लगा हुआ है, तो यू कैन इंश्योर, आप यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं दैट इट इज वॉट, इट इज सैफरन, जो कि कश्मीर का ही केसर है, इसलिए GI टैग बहुत ज्यादा यूजफुल होता है टू ऑल द प्रोडक्ट्स। वन मोर थिंग, द वेरी फर्स्ट GI टैग इट वॉज गिवन टू हूम, ये आप लोगों को मुझे बताना है, कहाँ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे पहला GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया था इन इंडिया, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, द GI टैग इट इज गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए GI टैग किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है, उसके बाद आफ्टर दैट यू हैव टू रिन्यू दैट, आपको उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ मट्टी बनाना ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो द मट्टी बनाना इट बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। सो डू रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज वॉट, द करेक्ट आंसर इज टी तमिलनाडु, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत वृक्ष आंदोलन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, अमृत वृक्ष आंदोलन ये किस स्टेट से, ये किस राज्य से एसोसिएटेड है, कम ऑन व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। सो दिस अमृत
वृक्ष मतलब वृक्ष, हिंदी में वृक्ष, पेड़ों को, ट्रीज को वृक्ष बोला जाता है। सो ये आंदोलन जो है ये किस स्टेट से, ये किस राज्य से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज सी, आसाम। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज सी, आसाम। सो रिसेंटली आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्व शर्मा, तो हेमंत बिस्व शर्मा ने अभी यहां पे क्या किया था, उन्होंने ये जो पूरा आप कह सकते हैं कि ये पूरा आंदोलन जो है उसे इनिशिएट किया है, उसे उन्होंने स्टार्ट किया है। टू डू व्हाट, किस चीज के लिए इसको स्टार्ट किया गया है? टू प्रमोट बोथ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट टू द स्टेट। ठीक है, तो स्टेट में जितने भी जो ट्रीज हैं उनको बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे जो अमृत वृक्ष आंदोलन है इसको स्टार्ट किया गया है। एंड इट इज बीन स्टार्टेड बाय आसाम सीएम। ठीक है, आसाम के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, हेमंत बिस्व शर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, शर्मा नहीं है, द टर्म इज शर्मा। ठीक है, शर्मा, उन्होंने इसको क्या किया, रिसेंटली स्टार्ट किया है। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, आसाम। ठीक है, आई होप सबको यहां तक सारी चीजें क्लियर चल रही होंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं टू आवर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वाज इलेक्टेड एज वन ऑफ द फोर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन, कौन से इंडियन है जिनको यहाँ पे अभी वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया गया है ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स? सिर्फ चार हैं पूरे वर्ल्ड से, उसमें से एक इंडियन ही है। एंड वट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी, एडिले सुमरीवाला। ठीक है, सो एडिले सुमरीवाला, इनको अभी रिसेंटली क्या किया गया है, इनको अभी सिलेक्ट किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स। एट प्रेजेंट एडिले सुमरीवाला इज व्हाट, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं, ये अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं किस चीज के, ये एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये अभी इसके क्या है, ये अभी इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, एंड इन्हें सिलेक्ट कर दिया गया है एज वन ऑफ द फोर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स। ठीक है, सो डू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है, तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, वन मोर थिंग, एक और चीज याद रखना, इनको फॉर अ टर्म ऑफ फोर ईयर्स, फॉर अ टर्म ऑफ फोर ईयर्स इनको सिलेक्ट किया गया। ठीक है, सो चार साल का इनका पूरा टर्म रहेगा एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड एथलेटिक्स। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी, एडिले सुमरीवाला। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वॉन द मोस्ट वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप? किस कंट्री ने यहां पर अभी सबसे ज्यादा, ठीक है, हाँ, किस कंट्री ने अभी तक यहां पे सबसे ज्यादा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते हैं? ठीक है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर होगा। सो द अभी तक यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड टीम जो है, उन्होंने अभी तक टोटल चार बार, ठीक है, फॉर अ टोटल ऑफ फोर टाइम्स, टोटल चार बार उन्होंने क्या किया है, टोटल चार बार उन्होंने अभी तक जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसको जीता है। एंड दिस इज द हाइएस्ट नंबर। ठीक है, दिस इज द हाइएस्ट नंबर। ठीक, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए, यूएसए। ठीक, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडियन वॉन द एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी फॉर द डैश टाइम। अभी यहाँ पे क्या किया है, अभी इंडिया ने जो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है, अच्छा, दिस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी इट इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी इट इज रिलेटेड विद हॉकी। ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? सो इट इज एसोसिएटेड विद हॉकी, ये हॉकी से एसोसिएटेड है। एंड एट प्रेजेंट अभी यहाँ पे इंडिया ने यहाँ पे कौन सी बार इसको जीता है? सो इंडिया, दे हैव वॉन दिस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी फॉर द फोर्थ टाइम, चौथी बार अभी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी है उसको इंडियन हॉकी टीम ने जीता है। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, फोर्थ टाइम। ओके, आगे बढ़ेंगे जल्दी से टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अर्थ डे इज इक्वल टू डैश इन मून। ठीक है, वन अर्थ डे इज इक्वल टू डैश इन मून। ठीक है, सो एक अर्थ डे, ठीक है, एक पूरा जो अर्थ डे होता है वो मून पे, वो चांद पे, कितने लूनार डे पे अगर उसकी हम बात की जाए, लूनार डे पे अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो वो कितना होगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, 1/14 लूनार डे। ठीक है, वन अर्थ डे इट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज 1/14 लूनार डे।
ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 14 लूनार डे जो है वो इक्वल्स टू वन अर्थ डे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये स्टैटिक में आपको इस टाइप के, इस तरह के सवाल जो है वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो वन अर्थ डे इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1/14 लूनार डे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सीजीआई, सीजीआई का मतलब द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। नाउ एज पर सीजीआई हाउ मेनी जजमेंट्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू 14 रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है। सो सीजीआई हमारे रिसेंटली अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर डी वाई चंद्रचूड़, तो डी वाई चंद्रचूड़ ने अभी यहां पर एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी शेयर की है, एंड उसके हिसाब से, उस जानकारी के हिसाब से उन्होंने क्या बताया है कि अभी टोटल जो 14 रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के कितने जजमेंट्स का यहाँ पे ट्रांसलेशन किया जा चुका है, ठीक है। सो इट इज बीन सेड बाय, ठीक है, इट इज बीन द इंफॉर्मेशन, इट इज बीन गिवन बाय होम, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट एट प्रेजेंट अ टोटल ऑफ 9,423 जजमेंट्स, ठीक है, टोटल 9,423 जजमेंट जो है उनका 14 रीजनल लैंग्वेजेस में यहां पर ट्रांसलेशन किया जा चुका है, ठीक है। एंड इन 14 रीजनल लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज जो है वो नेपाली है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे जजमेंट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसा आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दे आर ऑफ ग्रेटर वैल्यू, बहुत ग्रेटर वैल्यू होती है उनकी, ठीक है। उनको स्टडी करते हैं जो लॉयर्स होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं वो उनको स्टडी करते हैं, उनको स्टडी करने के साथ साथ ही वो अपने पॉइंट्स, वो अपनी नोट्स बनाते हैं, ठीक है, कि ये आर्ग्यूमेंट पे अगर ये आर्ग्यूमेंट आया था तो यहाँ पे क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है कि इनको क्या किया जाए, उनको रीड किया जाए फॉर देयर बेनिफिट, अब उनके फायदे के लिए इसको वो लोग बार बार रीड करते हैं, इसीलिए इनके ट्रांसलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसको यहाँ पे कितने जजमेंट्स का ट्रांसलेशन किया जा चुका है, अ टोटल ऑफ 9,423 जजमेंट्स दे आर बीन ट्रांसलेटेड इनटू 14 रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बी 9,423, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, किस सिटी में आपको ये देखने को मिलता है, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, द करेक्ट आंसर इज डी श्रीनगर, द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा, इट्स इन श्रीनगर। व्हाई इट इज इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों था, बिकॉज दिस इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ये एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बन गया है, ठीक है, इट हैज बीन रजिस्टर्ड एज एशियाज बिगेस्ट ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज डी श्रीनगर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ WHO एंड आयुष मिनिस्ट्री अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, भाई किस सिटी में, किस शहर में अभी रिसेंटली, ठीक है, किस सिटी में, किस शहर में अभी रिसेंटली यहां पे WHO, ठीक है, WHO इज व्हाट इट इज, WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ दिस WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी कोविड के बाद, कोरोना के बाद ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा, काफी बहुत अच्छा इसने काम भी किया था ड्यूरिंग द इंटायर जो कोविड की जो भी वहां पे वेव्स थी, जो भी कोविड फैला हुआ था, ठीक है, तो चाहे वो 2020 में जब वो स्टार्टिंग हो, चाहे वो बीच में हो, जब यहाँ पे अलग अलग जो फेजेस आए थे कोविड के, कोरोना के, तो उसमें बहुत अच्छा वर्क किया था, काम किया था WHO ने, ठीक है। नाउ दिस WHO इज वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, सो WHO इसको एस्टैब्लिश किया गया था, प्रिसाइसली डेट अगर बताऊं तो 7th of April 1948, सो ऑन 7th अप्रैल 1948 1948 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इट वाज एस्टैब्लिश, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वेयर यू कैन फाइंड द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे, किस कंट्री में, किस सिटी में है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो रिसेंटली WHO और जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री है उन्होंने यहाँ पे एक ग्लोबल समिट किया था ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। नाउ ट्रेडिशनल मेडिसिन उसमें क्या आ जाती है, सो एक तो होती है हमारी जो एलोपैथिक दवाइयाँ, ठीक है, तो एलोपैथिक दवाइयाँ वो होती हैं, एंड उसके साथ साथ कुछ ट्रेडिशनल मेडिसिन भी होती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी दिस समिट इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, नाउ WHO और आयुष मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली ये जो समिट ऑर्गेनाइज किया था, सो दिस समिट इट वॉज ऑर्गेनाइज इन गुजरात
के गांधीनगर सिटी में, ठीक है। सो गांधीनगर सिटी विच इज इन गुजरात, वहां पे अभी रिसेंटली इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। सो डू रिमेंबर व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दिस समिट विच इज बीन अ जॉइंट वर्क ऑफ द World Health Organization and the Ayush Ministry. It has been organized where? It has been organized recently in Gandhinagar, Gujarat. ठीक है, याद रखिएगा. Okay, let's move on to our next question. अगले question पे चलते हैं. In how many cities will the PM e-bus सेवा scheme deploy a cumulative 10,000 e-buses? बताइए. What should be the correct answer? In how many cities will the PM e-bus सेवा scheme deploy a cumulative 10,000 e-bus, 10,000 e-bus को यहाँ पे deploy करने किया गया है recently e-buses को, ये कितनी cities में, कितने शहरों में इनको deploy किया जाएगा? What is the correct answer? So the correct answer is B, 169. In a total of 169 cities, these PM e-bus सेवा scheme जो है, इसको क्या किया जाएगा? 10,000 e-buses को यहाँ पे deploy किया जाएगा in a total of 169 cities, ठीक है? So what is the correct answer? The correct answer is B, 169 cities में deploy किया जाए, ठीक है? चलो, let's move on to our next question. जल्दी से देख लेते हैं अगला सवाल. Forest land that has not been notified as such by the center or state is called WAST, ठीक है? So ऐसी forest land, ऐसा वन क्षेत्र, ठीक है? ऐसा वन क्षेत्र जो कि ना कि जिसे ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया हुआ है, तो उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज द लैंड व्हिच इज नॉट बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज नोन एज व्हाट? उसे यहाँ पर डीम्ड फॉरेस्ट यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है? इट हैज बीन known as the deemed forest. ये deemed forest कहलाते हैं, ठीक है? Why it is in news? ये news में अभी क्यों आए हैं? Because recently यहाँ पे क्या किया गया है? इसका जो meaning है, उसको बिल्कुल certify कर दिया गया है government की तरफ से, ठीक है? So the central government they have recently certified the meaning of a deemed forest. कि deemed forest क्या कहलाएंगे? ऐसे forest, ऐसे वन क्षेत्र जो कि ना central government recognize कर रहा है उसे, ना ही कोई state government उसे recognize कर रहा है, वो deemed forest की category में fall करेगा, ठीक है? So what is the correct answer? The correct answer is B, the deemed forest, ठीक है? Let's move on to our next question, जल्दी से. Which of the following apps was launched by the Central Water Commission? Central Water Commission ने अभी recently कौन सी app को यहाँ पर launch किया है? What is the correct answer? So recently the Central Water Commission के यहाँ पे जो चेयरमैन है, उन्होंने एक नई ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया है, एंड दिस ऐप इज नोन एज व्हाट? दिस ऐप इज नोन एज फ्लड वॉच, ठीक है? तो फ्लड वॉच इस ऐप का नाम है, एंड इट इज बीन लॉन्च बाय द चेयरमैन ऑफ CWC, जिनका नाम क्या है? श्री कुशविंदर वोहरा, ठीक है? हिज नेम इज कुशविंदर वोहरा, ठीक है? तो कुशविंदर वोहरा ने अभी रिसेंटली क्या किया है? कुशविंदर वोहरा ने अभी यहां पर एक ऐप को लॉन्च किया है. द नेम ऑफ द ऐप इज फ्लड वॉच, ठीक है? और ये ऐप करेगी क्या? सो दिस ऐप इट विल गिव अ फोरकास्ट. ये यहाँ पे अगर किसी भी एरिया में, किसी भी सिटी में, स्टेट में अगर फ्लड टाइप सिचुएशन बन रही है, तो उसके 7 दिन पहले, 7 days बिफोर ये ऐप, अगर आपके फोन में ये ऐप है, तो वो आपको क्या करेगा? वो आपको पहले ही एक फोरकास्ट बता देगा. वो आपको पहले ही मतलब अलर्ट कर देगा कि भैया देयर हैज बीन अ फ्लड लाइक सिचुएशन इज हैपनिंग इन योर एरिया, आपके शहर में हो रही है. सो प्लीज आप अगर जो भी सेफ्टी मेजर्स लेना चाहते हैं, जो भी आप सेफ्टी मेजर करना चाहते हैं, आप उन सारे सेफ्टी मेजर्स को यहां पर ले सकते हैं, ठीक है? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द नेम ऑफ द ऐप इज व्हाट? द नेम ऑफ द ऐप व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल वाटर कमीशन, द नेम इज व्हाट? द नेम इज फ्लड वॉच, ठीक है? इसको लॉन्च किया किसने? यहाँ पे जो CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के जो चेयरमैन है कुशविंदर वोहरा, उन्होंने इस ऐप को अभी रिसेंटली लॉन्च किया, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे PM उषा स्कीम भी बोला जाता है, बजट मस्ट बी बॉर्न बाय द स्टेट देमसेल्फ? बाय PM उषा स्कीम जो है, उसका कितने परसेंट बजट जो है, अब उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है, उनको ही अब उसका बजट जो है वो बॉन्ड करना पड़ेगा. उस बजट को उतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, 0.4%, ठीक है? सो रिसेंटली अभी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये नोटिफाई किया है दैट PM उषा स्कीम, ठीक है, PM उषा स्कीम, इसका अब जो भी बजट है, उस बजट का 0.4% बजट
दिस इज नाउ शुड बी बॉर्न बाय होम, दिस इज नाउ शुड बी बॉर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली. अब ये स्टेट गवर्नमेंट को इतना पैसा बॉर्न करना पड़ेगा. ठीक है, सो क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज 0.4% बजट ऑफ द ओवरऑल बजट ऑफ द पीएम उषा स्कीम. पहले पूरा का पूरा जो बजट था वो किसकी तरफ से आता था? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरा बजट आता था. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एजुकेशन वॉज मूव टू द कनकरेंट लिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? एजुकेशन, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं आपको लिस्ट के बारे में, अलग अलग लिस्ट के बारे में समझाने की कोशिश करूं, बताने की कोशिश करूं, सो देयर इज अ यूनियन लिस्ट, देयर इज अ स्टेट लिस्ट एंड देयर इज अ कनकरेंट लिस्ट. ठीक है, नाउ देयर आर सर्टन सब्जेक्ट्स. ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि किसका पार्ट होते हैं, जहां पे जो भी कुछ अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है या फिर अगर उस पर कुछ भी गवर्न करना है, वो कौन करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. उसे क्या बोला जाता है? उसे यूनियन लिस्ट बोला जाता है. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है. स्टेट गवर्नमेंट ही वहां पे क्या कर सकती है? वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है. वो सब कुछ वो स्टेट की कैटेगरी में फॉल करता है. यानी उस पर्टिकुलर डोमेन में कुछ भी काम होगा तो स्टेट गवर्नमेंट वो काम करेगी. एंड देन देयर आर फाइनली द कनकरेंट लिस्ट. नाउ कनकरेंट लिस्ट इज व्हाट? जहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों यहां पे क्या कर सकते हैं? दोनों ही मिलके यहां पर काम कर सकते हैं. ठीक है, नाउ एजुकेशन जो था, इट वॉज अर्लियर, एजुकेशन इट वॉज अर्लियर इन द स्टेट लिस्ट. एजुकेशन, शिक्षा पहले स्टेट लिस्ट का पार्ट हुआ करता था, बट इन 1976 में यहां पे क्या हुआ? वेन द 42nd विद द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 जब इसे इंट्रोड्यूस किया गया था. अच्छा, दिस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा भी दिया जाता है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. बाय क्यों? द रीजन बींग इज वॉट? द रीजन इज कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने मेजर चेंजेस किए थे, इतने सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाने लगा. ठीक है, सो इन 1976 यहां पे जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसे क्या किया गया? एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया. मतलब कि अब यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो दोनों ही अपने यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं. ऑल्दो इसका काफी ज्यादा अपोज भी हुआ था, विरोध भी हुआ था, बट इट्स बीन डन एंड डस्टेड अप टू वो कंकरेंट लिस्ट का ही. ठीक है, सो डू रिमेंबर द एजुकेशन वॉज मूव टू द कंकरेंट लिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इट वॉज मूव इन द ईयर 1976 जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आखिरी क्वेश्चन आज के लिए. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023? ठीक है, सो अभी रिसेंटली ही यहां पे जो एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है, इन व्हाट? इन द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन. ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ बिल जो है वो अभी यहाँ पे उसमें एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है. इसका मेन पर्पस, इसका सबसे मेन पर्पस जो है वो क्या है? सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस बिल? द मेन पर्पस इज टू रजिस्टर ऑल सिटीजंस आधार नंबर. सॉरी, इट इज व्हाट? द मेन पर्पस इज टू क्रिएट अ नेशनल एंड स्टेट लेवल डेटाबेस ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ. ठीक है, सो जो भी यहाँ पे क्या हो रही है, जो भी यहाँ पर बर्थ हो रहे हैं, ठीक है, जो भी जन्म हो रहा है या फिर जो भी मृत्यु हो रही है, डेथ्स जो भी हो रही है, उनका यहाँ पे क्या करना है? उनका एक नेशनल और एक स्टेट लेवल पे डेटाबेस यहाँ पर क्या करना है? उस डेटाबेस को मेंटेन करना है. ठीक है, अच्छा, ये डेटाबेस क्यों मेंटेन किया जाना जरूरी है, कंपलसरी है? सो इट इज बीन नेसेसरी, इट इज बीन कंपलसरी टू डू व्हाट? कि देखो, इन्हीं सारे डेटा के हिसाब से जब तक गवर्नमेंट को ये नहीं पता होगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, की कितने बर्थ हो रहे हैं, कितने लोग हैं जिनका जन्म हो रहा है, जब तक गवर्नमेंट को ये सारी चीजें पता नहीं होंगी, तब तक गवर्नमेंट कोई भी पब्लिक सर्विस की स्कीम या फिर सोशल बेनिफिट की स्कीम जो है वो उसे लॉन्च नहीं कर सकती, जब तक उन्हें अपनी टारगेट ऑडियंस का पता नहीं होगा. दैट व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस? अगर कोई स्कीम लॉन्च हो रही है, अगर कोई भी नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे स्कीम अगर लॉन्च हो रही है, तो उस गवर्नमेंट को सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज आवर टारगेट एरिया, हमें मतलब कि कितने लोगों को टारगेट करते हुए इस स्कीम को लॉन्च करना है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई फॉर दिस वेरी सेम रीजन यहाँ पे टू क्रिएट अ नेशनल एंड स्टेट लेवल डेटाबेस ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ, इसको यहाँ पे क्या किया गया है? एक अमेंडमेंट के थ्रू एड कर दिया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है अभी रिसेंटली. ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, चलो
ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इस वीडियो में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनको प्लीज एक बार देख लेना, उनको प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना. एंड अब ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, हर वीक हम ऐसे वीडियोस लेकर आते रहेंगे. एंड आपको उन सारे वीडियोस को देखते जाना है, सारे क्वेश्चंस को कवर करते जाना है. एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर सीयूटी 2024 एग्जामिनेशन. बने रहिए, सेशंस को देखते रहिए, पूरी प्लेलिस्ट को बार बार, ठीक है, जब अभी जब इसमें और सेशंस ऐड हो जाएंगे तो प्लेलिस्ट को बार बार आप रिवाइज करते रहिएगा. सीयूटी 2024 में जनरल टेस्ट के जीके और करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू नहीं आएगा. ऑन दैट नोट, दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ. बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में. बाय बाय गाइस.